हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके, और आज हम बात करने वाले हैं देश की नंबर वन बिकने वाली सेडान कार के बारे में, यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में, और वो भी इसके सीएनजी मॉडल में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है और मोस्ट वैल्यूबल मॉडल आपको लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कि इस मॉडल को आपको क्यों लेना चाहिए और ये कंपटीशन की कार के मुकाबले कैसे आपको बेहतर है और क्या क्या फीचर आपको इस कार के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं इस कार की चाबी के साथ में। तो कार की जो चाबी है वो आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल होती है, आपको मिलती है स्मार्ट रिमोट के साथ में। साथ में पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो पहचान है मारुति के अरीना की। इसके अलावा गाड़ी की चाबी में आपको तीन बटन मिलते हैं, जो तीनों बटन है। सबसे पहला बटन आपको गाड़ी को लॉक करने के लिए मिलता है, उसके बाद आपको गाड़ी को अनलॉक करने के लिए मिलता है। उसके अलावा आप अगर बूट गेट एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि इस कार के अंदर आपको बूट गेट एक्सेस करने के लिए भी एक स्मार्ट बटन दे दिया गया है, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो इस कार का दिल्ली का एक शोरूम प्राइस आता है 891 लाख, एक शोरूम है यानी कि 891,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस पड़ता है आपको दिल्ली गाज़ियाबाद नोएडा के लिए। उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस कार के डिज़ाइन के बारे में। तो कार का जो डिज़ाइन है वो आपको मिलता है साइड सबसे बेहतरीन डिज़ाइन में, और काफ़ी एरोडायनामिक शेप में ये कार अवेलेबल होती है आपको। सबसे पहले बात करते हैं इसके बोनट के बारे में। तो काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे मिलता है आपको इसका बोनट डिज़ाइन देखने के लिए। साथ में हेडलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ZXI वर्जन में हेलोजन हेडलाइट मिलती है, जिसमें इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है, और काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रीमियम ये आपको हेडलाइट मिलती है। नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फोग लाइट की हाउसिंग दिखेगी। हालांकि ZXI वर्जन है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ में फोग लाइट भी अवेलेबल होती है इस मॉडल के अंदर, और क्रोम की बेजल आप देख सकते हैं जो इसकी फोग लाइट को और भी डिसेंट और भी प्रीमियम बनाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के बारे में। तो फ्रंट फेशिया की अगर मैं बात करूं तो इस सेगमेंट की कार के अंदर सबसे डिसेंट आपको फेशिया नजर आता है इस कार के अंदर। आप देख सकते हैं क्रोम की पूरी ग्रिल आपको मिलती है, साथ में काफ़ी वाइल्ड ओपन इसका जो ग्रिल है एयर वेंटिलेशन को काफ़ी मदद करता है, इंजन के अंदर ठंडी हवा आसानी से पहुँच पाती है। और ग्रिल की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो दोस्तों आपको लग्जरी कार वाली एकदम फील आने वाली है इस कार के फ्रंट डिज़ाइन के साथ में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल में क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो साइड प्रोफाइल से भी ये कार आपको डिसेंट और प्रीमियम नज़र आती है, और ये इसका ZXI CNG मॉडल हम देख रहे हैं दोस्तों अभी। तो इसका साइड प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो साइड प्रोफाइल में आपको सबसे पहले बात करेंगे फेंडर पर आपको करेक्टर लाइन्स मिलती है जो आपके रियर बूट गेट तक जाती हैं और काफ़ी प्रीमियम आपको आपकी इस कार को बनाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील अवेलेबल होते हैं जो सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गन मेटल का ये अलॉय व्हील बना होता है जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसके अलावा टायर की डायमेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 15 इंच के ट्यूबलेस टायर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हालांकि ZXI प्लस मॉडल के अंदर आपको ब्लैक कलर का अलॉय व्हील अवेलेबल होता है, बट उसमें CNG मॉडल आपको अवेलेबल नहीं होता है। आउटसाइड मिरर की दोस्तों बात कर लेते हैं। आउटसाइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल और साथ में LED इंडिकेटर के साथ अवेलेबल होते हैं, थोड़ा सा और प्रीमियमनेस आपको इस कार के अंदर अवेलेबल हो जाती है। बात करेंगे ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर के बारे में। तो ए पिलर, सी पिलर आपको मिलते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, बी पिलर आपको मिलता है ब्लैक टेप आउट के साथ में। साथ में विंडो पे क्रोमिंग देखने के लिए मिलती है, विंडो पे आप क्रोम देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको क्रोम नज़र आती है, और आपकी रियर वाली विंडो पे भी ये क्रोम दिख जाती है। इसके अलावा दोस्तों डोर हैंडल की बात करेंगे तो दोनों डोर हैंडल आपको मिलते हैं यहाँ पर सेम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, हालांकि यहाँ पे क्रोम होता तो थोड़ा सा और प्रीमियम आपको नजर आता। रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको मिल जाता है दरवाजे पर, आप रिक्वेस्ट सेंसर बटन देख सकते हैं, आप इजीली गाड़ी के अंदर इन एंड आउट हो सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के साथ साथ, तो रियर प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से नज़र आती है। तो रियर प्रोफाइल में दोस्तों देख सकते हैं रियर प्रोफाइल आपको डीफोगर मिल जाता है देखने के लिए, साथ में ऊपर की तरफ एक एंटीना नज़र आता है। हाई स्टॉप माउंट आपको यहाँ पर मिलती है देखने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्टॉप माउंट लाइट मिल जाती है। पीछे आपको डिज़ायर की बैजिंग नज़र आ जाती है, LED कॉम्बिनेशन के साथ आती है इसकी रियर लाइट जो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। पीछे दोस्तों आपको डिज़ायर की बैजिंग नज़र आती है जो क्रोम की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होती है, और बूट गेट पे मिलता है आपको काफ़ी प्रीमियम सा देखने के लिए एक क्रोम की बैज जो गाड़ी की
रियर प्रोफाइल को और भी डिसेंट और भी लग्जरी बनाती है। साथ में 4 आईज पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ZXI वर्जन है तो कैमरे का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, बट आप इसमें कैमरा एड ऑन करा सकते हैं। अब बात करते हैं CNG की रिफिलिंग के बारे में दोस्तों। तो CNG की रिफिलिंग आपको बाहर की तरफ यहाँ पर अवेलेबल होती है, और यहाँ पर आप पेट्रोल और यहाँ पर CNG की स्टिकर प्लेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर CNG की इंस्टॉलेशन प्लेट आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि बाहर की तरफ CNG होने के काफ़ी नुकसान है। दोस्तों किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, और ये जो इसका कैप है ये बहुत ईजिली रिमूव नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके ये रिमूव हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों बूट गेट एक्सेस करके दिखाता हूँ। बूट गेट एक्सेस करने के लिए आप मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाबी आपके रिमोट पे बटन दे दिए गए हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो यानी कि आपको बूट गेट एक्सेस करने के लिए काफ़ी सहूलियत है। इसके अलावा CNG सिलेंडर की इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट तरीके से की जाती है, और सेफेस्ट तरीके से इंजन के अंदर जो पाइपलाइंस हैं वो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की स्टील की बनी होती है। और इसके अलावा जो CNG फिटमेंट है उसके बाद भी गाड़ी के अंदर जो स्पेस है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि छोटे मोटे बैग आप इसमें रख सकते हैं 3-4। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील एज स्टील रिम की तरह मिलेगा, और आपको ये डिफरेंट साइज़ के साथ अवेलेबल होता है दोस्तों, यानी कि 1 इंच छोटा स्टील रिम के साथ ये आपको अवेलेबल होता है इसका स्पेयर व्हील। हालांकि बूट गेट की जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो किसी तरीके की इंसुलेशन आपको नज़र नहीं आती है, तो बूट गेट एक्सेस करने के लिए आप यहां पे देख पाएंगे तो कोई कवर आपको यहां पे नहीं मिलता है। तो बूट गेट के बाद दोस्तों चलते हैं केबन के अंदर। रियर प्रोफाइल में केबन किस तरीके से नज़र आता है आपको, सबसे पहले बात करेंगे रियर केबन में। जो रियर केबन का इंटीरियर है वो आपको मिलता है ब्लैक एंड बेज कलर के साथ में क्रोम का डोर हैंडल आपको नजर आता है। प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको देखने के लिए मिलती है पीछे की विंडो पे, नीचे बोतल होल्डर, पेपर होल्डर और स्पीकर आपको दिख जाता है। इसके अलावा दोस्तों पीछे रियर रियर केबन आप देख सकते हैं दोस्तों, रियर में आपको AC वेंट नजर आ जाता है, चार्जिंग सॉकेट नजर आता है, प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे रिच क्वालिटी का आपको मिलता है इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलते हैं, आर्मरेस्ट अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा केबन देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी प्रीमियम सा केबन आपको यहाँ पर नजर आता है इस कार के अंदर, और कलर टोन जो है वो आपको ब्लैक एंड बेज कलर का मिलता है, तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर आती है। उसके अलावा दोस्तों थाई सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन है, लेग रूम काफ़ी स्पेसियस आपको मिलता है इसके अंदर, और सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा लेग रूम आपको इस सेगमेंट की कार के अंदर ये अवेलेबल हो पाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइवर साइड केबन के बारे में। तो ड्राइवर साइड केबन देख के आपको काफ़ी प्रीमियमनेस फील होने वाली है, क्योंकि इस कार के अंदर मिलते हैं आपको फुली लोडेड फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड केबन में विंडो के बारे में। तो विंडो में आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको विंडो पे जो ट्रिम आउट है यहाँ पर आपको फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा बेज कलर का, साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे वुडन के ऑर्नामेंट जो काफ़ी प्रीमियम इस कार को बनाते हैं। चारों पावर विंडो के बटन, मिरर लॉक, आपको आउटसाइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जाते हैं। साथ में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ट्विटर भी नज़र आएगा, एक क्रोम का डोर हैंडल, नीचे बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड की सीट के बारे में। तो यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको मिलती है, और फैब्रिक की अगर बात करें तो बेज कलर का पूरा सीट फैब्रिक है, और काफ़ी प्रीमियम है ये फैब्रिक आपको इसके अंदर मिलता है। बैक पोर्शन की अगर बात करें तो विंग सपोर्ट आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है इस कार की सीट के अंदर, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए, और हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके हेडरेस्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। नीचे फ्यूल चेंज का ऑप्शन आपको दिख जाता है कि आप गाड़ी पेट्रोल पर चलाना चाहते हैं या CNG पे। इसके अलावा आपको मिलता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जिसपे आपको वुडन के ऑर्नामेंट नज़र आते हैं, और लेदर वेब के साथ आपको ये नज़र आता है, और काफ़ी प्रीमियम इसका स्टीयरिंग आपको दिखता है। साथ में बीच में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो नज़र आता है। साइड में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आते हैं जो म्यूज़िक वगैरह को आपको कंट्रोल, म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, FM चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं या पोज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको कॉल कनेक्टिविटी के फंक्शन, साथ में वॉइस कमांड के फंक्शन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर देखने के लिए। इसके अलावा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ नज़र आती है, और काफ़ी अच्छी बात यह है इसके अंदर आपको पेट्रोल और CNG का जो इंडिकेशन है वो दोनों तरफ आपको नज़र आता है, एक साइड पेट्रोल एक साइड आपको CNG। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है आपको काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रीमियम के साथ में, और स्टीयरिंग को आप टिल्ट के साथ में ऑप्शन लेके चल सकते हैं, आप हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अंदर इंटीरियर में, काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं जो एसी वेंट्स हैं उस पर सिल्वर एक्सेंट की काम देखने के लिए मिलते हैं, वुडन का ऑर्नामेंट आपको नजर आ जाता है, साथ में डैशबोर्ड की क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम ब्लैक एंड बेज कलर का डैशबोर्ड आपको नजर आता है। यूटिलिटी स्पेस में आपको छोटा मोटा ग्लोब बॉक्स में सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। बात कर लेते हैं म्यूजिक स्टूडियो के साथ में, तो म्यूजिक स्टूडियो मिल जाता है स्मार्ट स्टूडियो आपको यहाँ पर, जिसके अंदर आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है, साथ में व्हीकल अलर्ट सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा आहा रेडियो आपको इसके अंदर अवेलेबल होती है। इस म्यूजिक स्टूडियो के अंदर आप आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन, नेविगेशन, हालांकि इसमें आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है आपका हैंड ब्रेक का लगा होना जरूरी है, यानी कि आप ड्राइविंग करते टाइम इसकी वीडियो प्ले नहीं कर सकते इस म्यूजिक स्टूडियो के अंदर। इस म्यूजिक स्टूडियो में बस एक ही कमी है, पार्किंग कैमरा आपको अवेलेबल नहीं होता है, बट इसमें आप इंस्टॉल करा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं जो काफ़ी प्रीमियम आपको दिखते हैं। इसके अलावा जो बटन्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको नीचे की तरफ नजर आते हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी ऑक्सिलरी के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा दो कप होल्डर आपको यहाँ नजर आते हैं। गियर नोब आपको मिलती है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ में, जो आप देखेंगे क्रोम की फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर नजर आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आपका डैशबोर्ड डिज़ाइन अंदर से। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इंजन आप सबसे पहले बोनट खोलते के साथ ही देखेंगे, बोनट को है पूरे फैब्रिक के एक अलग तरीके के इंसुलेशन फैब्रिक के साथ कवर किया गया है, यानी कि गाड़ी के अंदर जो एनवीएच लेवल है वो काफ़ी कम होने वाला है। और इंजन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस इंजन आपको इस कार के अंदर अवेलेबल होता है। बात कर लेते हैं इसकी जो पावर है, 1.2 सीसी का ये इंजन है, यानी 1197 सीसी का। और अगर मैं बात करूँ पावर की तो 57 किलोवाट की पावर जनरेट करती है सीएनजी के अंदर, और 99 किलो एनएम का टॉर्क जनरेट करती है ये आपको सीएनजी मॉडल में। और सीएनजी की जो इंस्टॉलेशन है वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इंस्टॉलेशन किया गया है, आपको डबल ईसीएम के साथ मिलता है। और इसके अलावा नीचे से इंजन पूरा कवर्ड आपको नजर आएगा, आपको एक सिल्वर प्लेट आपको नजर आएगी इंजन के साथ में। और इंजन की जो फिटमेंट है सीएनजी के साथ में वो काफ़ी यूनिक तरीके से की जाती है, हालांकि मारुति 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको इसके अंदर अवेलेबल कराती है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल इंजन है, काफ़ी आपको ये परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। इसके अलावा माइलेज की अगर बात करें तो लगभग 31 किलोमीटर पर किलोग्राम ये पेट्रोल पे क्लेम करती है, और लगभग 23.5 किलोमीटर पर लीटर ये आपको पेट्रोल पे एवरेज क्लेम करती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो जाए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।